So hey my family, this is your buddy Adilshah and Khushamadi to my channel. So guys, जैसे कि मैंने स्टोरी डाला था कि आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आज हम उसका आंसर करने वाले, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा क्वेश्चन आ गया था कि मैं अगर इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला सबको नहीं दिखता तो मैंने पूरा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहला क्वेश्चन है यादव प्रदीप का, वो है भाई आपसे मिलना था, आप कहाँ पर रहते हो? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, सबसे पहले मैं इसका ही आंसर करने वाला हूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं भिवंडी में रहता हूँ, भिवंडी में दीवान शाह दरगाह के पास रहता हूँ। और अगर मुझसे मिलना है तो ऐसे मैं किसी से बता नहीं सकता, कहीं पर अगर भिवंडी में घूमते फिरते रहता हूँ तो वहाँ पे आप लोग अगर कहीं भी दिख गया हो तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपन, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, सो सेकंड क्वेश्चन है हिबा खान का, आर यू सिंगल? यस आई एम सिंगल। हसते चेहर का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। आई एम सिंगल। सुफियान, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुफियान डीजेड, तो आपका बर्थडे कब आता है? तो मेरा बर्थडे आता है 25 जुलाई, अभी थोड़ा दिन पहले आगे गया, अभी नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप लोग जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट दे देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम गर्ल 753, अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर बिग फैन, मापोली आने वाले थे ना, क्या हुआ, आ जाओ, मैं आपकी वीडियोस सो नाइस। या थैंक यू सो मच, मापोली आने वाला था, नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज थोड़ा सा काम में बिजी है एंड सब बहुत कुछ देखना पड़ता है, वजह से नहीं आया, बट मैं मापोली बहुत जल्दी आऊँगा, वहाँ पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सी खान, भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है बोल? भाई मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या करे, बहुत दुख है लाख साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर उसके बाद है उबैद वाईटी का क्वेश्चन है एमी वे वर्सेस एमसी स्टैन, तो भाई अपन एमी वे के फैन है तो एमी वे पहले बाद में एमसी स्टैन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिमा नासिर का क्वेश्चन है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सो माय क्वालिफिकेशन इज लाइक आई एम ग्रेजुएट बैचलर इन मास मीडिया फ्रॉम रिसवी कॉलेज बैंड्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान अंसारी का, भाई आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा हुआ है, कुछ जितना आता उतना कर लेता हूँ, आप लोग ऐसे ही प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो और वीडियो को खूब ज़्यादा ऐसे ही लाइक करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान खान, सुल्तान खान ने पूछा है भाभी के साथ एक वीडियो बनाओ। भाई भाभी वीडियो क्या वीडियो बना ले, भाभी तो होना चाहिए, भाभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके साकिब का, बस भाई यही बोलूंगा कि तुम भिवंडी का नाम रोशन कर सकते हो और भिवंडी को लोग कचरा बोलते हैं। भाई लोगों को बोलने तो कचरा बोलते हैं, हमको पता है हमारी भिवंडी कैसी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि भिवंडी का नाम थोड़ा और अच्छा तक जाए और लोगों तक पहुँचे कि भिवंडी सही बहुत अच्छी है और भिवंडी भी एक अच्छा शहर है। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद है क्वेश्चन किसका, यह है आकिब अंसारी का क्वेश्चन है भाई आपने मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं करते हो? तो भाई ऐसा हो गया है कि अभी आप लोगों को क्या बताऊं कि आप लोग के लिए सिर्फ मैं हूं लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आता है जिसकी वजह से कुछ मैसेज मैं देख लेता हूं, जिसकी वजह से कुछ मैसेज मेरे से छूट जाते हैं, तो अगर छूट जाते हैं उसके लिए बहुत सॉरी, बट मैं ट्राई करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूं, और अगर छूट जा रहा तो उसके लिए आई एम सॉरी, उनको पता आप लोग समझोगे मुझे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सबा शेख का, तो सबा शेख का है कि क्या सॉरी शादी कब करोगे? शादी क्या करें, यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी नहीं है, सिंगल है, भाभी भी नहीं है, तो क्या शादी करें, देखेंगे जब होगा तब देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अज़ू मोमिन का, सुनना भाई एसआरके का फैन हो के सलमान भाई के, भाई सबको मालूम है मैं डिंग 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 शाहरुख खान का फैन हूँ, बस सलमान भाई के बाद में पहले शाहरुख खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिल भाई, जब आपके 3K फॉलोअर्स थे तब से मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और आज 50K प्लस है। थैंक यू सो मच भाई, इट्स सेफ का क्वेश्चन था, इट्स सेफ, थैंक यू सो मच भाई, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आगे तक जाएंगे और आज तक फॉलो करो, लोगों को बोलो फॉलो करो, चार लोग फॉलो और फॉलो करो, वो चार लोग बोलो और लोग फॉलो करो, खूब ज़्यादा फॉलो करो, खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ऐसे ही प्यार करते हो, थैंक यू सो मच सैफ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सना पंजाबन का,
तो क्वेश्चन ये है कि आदिल आप बड़े बड़े शूट कब करोगे जिससे आप और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। देखो मैंने तो बहुत कर रहा हूँ कि मैं बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल शूट करूँ, बट मेहनत जारी। अब देखते हैं कब अच्छे शूट करते हैं और कब और पॉपुलर होते हैं। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जितना कुछ है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप काम क्या करते हो? तो ये क्वेश्चन पूछा है अंसार एक्स ने। तो भाई मैं बात बताता हूँ कि मैं एरोली में जॉब करता हूँ। एरोली में मेरा एक कंपनी है एक्सेंचर, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। वहाँ पे और छुट्टी वाले दिन मैं मेरी वीडियोस बना लेता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल रिडिकुलस। तो इनका क्वेश्चन है भाई तुम्हारा ब्लू टिक क्या हुआ? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत लोग ने पूछा था। तो ब्लू टिक का मैं बताता हूँ कि गाइज मैंने एक स्टार्टिंग में ब्लू टिक जो लिया था वो मैंने क्यों लिया था। मैंने इसके लिए लिया था कि मेरे नाम से फेक आईडी बहुत ज़्यादा थी। तो फेक आईडी से बहुत से लोग को मैसेज करते थे, बहुत ज़्यादा ये वो मतलब कुछ भी मैसेज करते थे। उसकी वजह से मैंने ब्लू टिक लिया था कि ताकि मेरी ओरिजिनल आईडी लोगों को तो मालूम पड़े। बट मैंने वो ब्लू टिक लेने के बाद देखा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रोल करने लगी, बहुत ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करते थे वही बोलने लगे कि ब्लू टिक नहीं लेना चाहिए था, आपकी इमेज ख़राब हो रही है। तो वो सबको सुनते हुए लोगों का जो ओपिनियन है, जो एडवाइस है, वो सब लेते हुए मैंने ब्लू टिक को हटा दिया। तो ब्लू टिक का यही थोड़ा सा ये था, मतलब छोटी अपाइडियो भी था जो बोल सकते वो था, लेकिन अभी ब्लू टिक नहीं लिया हूँ मैं। और ब्लू मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लू टिक हटा के मैंने अच्छा ही किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABU Editor 81 का। तो इनका क्वेश्चन है आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी बताओ। सो गाइज मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मैं 2017 जब म्यूजिकली डब मैच था तब से वीडियो बनाता हूँ। तब से मेरी लाइफ चल रही धक्के मार के यहाँ वहाँ कैसे कैसे पहुँचे थे मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मतलब मैं 6-7 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ हो रहा नहीं है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करें कि ताकि लोगों की नज़र में आओ। मेरा ऐसा था कि भिवंडी से अगर कोई नाम हो तो वो मेरा हो। तो फिर मैंने डायरेक्टली भिवंडी की स्ट्रीट पे डांस करना स्टार्ट किया। जो आईडी मैंने बनाया आदिल फॉर यू, तो आप लोग ने देखा ही होगा पहला वीडियो मेरा मेट्रो होटल पे था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। लोग ने बहुत स्टेटस और ग्रुप में डाले थे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उस वीडियो से लोग मुझे जानने लगे, नए नाम से जानने लगे आदिल फॉर यू से। तो ये छोटी सी जर्नी थी, मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि मेरी लाइफ में और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। अभी तक के लिए फिलहाल इतना। ABU Editor, आई होप आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Smarty Boy 007, भाई आप फॉलोअर्स बढ़ाए हो कि खुद से बड़े हैं? भाई यार ऐसे मत बोलो यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फॉलोअर्स मैंने एक फॉलोअर्स बहुत मेहनत से किया है। जो भी स्कैम था वो एक ब्लू टिक का था, मेरे को मालूम है ब्लू टिक की वजह से थोड़ा सा नाम खराब हो गया था। बट मेरे एक एक फॉलोअर्स जेन्युइन है, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो भी अभी कुछ 56K फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ सब ओरिजिनल फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है, खुद की मेहनत से। आप लोग खुद देखते हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि रोड पे ऐसे डांस करना इज़ नॉट ईजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्लू बॉय का, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मरने से नहीं मरती, काटने से नहीं कटती? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। क्या है? मुझे लगता है परछाई, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप अगर सही, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में जरूर बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो मरने से नहीं मरती और कटने से नहीं कटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है Elugal 4020, पता नहीं मैं थोड़ा सा नाम लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, बट आप समझ लो जिसका भी क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि आप हम गर्ल्स लोग का मीटअप कब रखोगे? गर्ल्स लोग का अलग से मीटअप कैसे रखो आप लोग खुद बताओ। मीटअप रखता हो तो इतने लोग आ जाते, तो वहाँ पे भी आप लोग भी आ सकते हो। आप लोग वहाँ, मैंने देखा जब भी मीटअप रखा हुआ, मैंने तो दूर से देखा है, नोटिस किया कि वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं बट लड़कों को देख के नहीं आ पाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आ जाने का कोई मसला नहीं है। ऐसे अलग से मीटअप कैसे रखो आप लोग खुद बताओ। कुछ आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कुछ ट्राई करूँगा कि गर्ल्स का अलग से मीटअप रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी नगमा वकार का कि होम टूर प्लीज डोंट फॉरगेट माय नेम इन योर वीडियोस। सो नगमा वकार, ये देखो थोड़ा सा है क्रूम होम टूर में अभी आपको क्या दिखाया, ऐसा कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए। जितनी इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा होम टूर में, बताऊंगा। सो उन्हीं का क्वेश्चन है नगमा वकार का। एक और क्वेश्चन है एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया, क्या फैमिली में कोई एक्टर है? नहीं, कोई फैमिली में एक्टर नहीं है, बट मेरे बचपन से ऐसे शौक था एक्टिंग का, मतलब कहीं सीखा नहीं है, बस खुद से करते करते शौक, देखते देखते लोगों को देखना देखना ड्रामे में, मतलब थिएटर्स करता था, मतलब कॉलेज में था थिएटर्स करता था मैं, तो वहीं से थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, फिर वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करके यहाँ तक पहुँचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजान 07 का, आप दावत पर हमारे घर पर आएंगे क्या?
फर्स्ट चला। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनवाज 1217 का कि भाई आप भी फिलिस्तीन के लिए दुआ फरमाएं और अपने फैन सर्कल में भी दुआ के लिए दरख्वास्त करें। तो फिलिस्तीन के लिए कसम से दिल से दुआ कर ही रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, पूरे मुसलमान जितने भी दुनिया में हर लोग कर रहे हैं। और मैंने फिलिस्तीन के लिए एक वीडियो बनाई जो मेरी इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड करी हुई, आप लोग जाके वो वीडियो भी देखे, सपोर्ट में बनाया मैंने फिलिस्तीन के। तो हाँ, हम भी दुआ करें और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग फिलिस्तीन के लिए दुआ करें ताकि फिलिस्तीन हमारा वापस से खुश हो जाए, आज़ाद हो जाए। कुरैशी मोहम्मद का, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, गुड, क्या आपने डांस ज्वाइन किया है, क्या आप डांसर हो? तो गाइज, मैंने कहीं डांस वांस ज्वाइन नहीं किया है, मैंने छोटा था तब तो मुझे थोड़ा डांस करने का शौक था, तो मैं यूट्यूब से सीखता था। यूट्यूब पे क्या करता था, कुछ वीडियोज़ में निकालता था, फिर वो लोग कैसे करते थे उस चीज़ को मैं कॉपी करता था मेरे घर में, मेरे रूम में, छोटा सा एक रूम है, वहाँ पे जाके छुपे करता था कि ताकि अम्मी अब्बा ना देखे। मैं तो बहुत बचपन में बहुत मार पड़ी हूँ डांस के लिए, अभी इतना नहीं करते, थोड़ा सा दिख गया है कि था थोड़ा सा कुछ मिल रहा है, थोड़ा सा लोग पहचानने लगे, इज्जत दे रहे हैं, लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, सो इतना भी चिल्लाते नहीं, बट वहाँ बचपन में तो बहुत मार खाया, बट मैंने कहीं से डांस सीखा नहीं है, जो भी सीखा है सब यूट्यूब से सीखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाना क्वीन का, आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, इसे पता चलता है कि आप मेहनत करते हो और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ गया है सना खान 7861144। बाप रे बाप, इंस्टाग्राम आईडी इतनी हार्ड, आप इतने क्यूट कैसे हैं? ओह माय गॉड, वाओ, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता मैं क्यूट हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफाल मोमिन का, प्रमोशन करते हो क्या, आप चार्ज लेते हो? जी मैं प्रमोशन करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जितने भी अगर मैं प्रमोशन करता हूँ उसका मैं चार्ज लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अल्ताफ 099 का, भाई एक गर्लफ्रेंड बना के दे दो भाई, मेरी सेटिंग करा दो। हाँ ये कर लो पहले। मेरी खुद की सेटिंग नहीं हो रही, तुम्हारी क्या करवाओ यार भाई, ऐसे कैसे अजीब लोग रहते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आमिर इंस्टा किंग का, तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दे मुझे। नंबर बोल उसका। नंबर हो गया। नहीं अभी तो तीन ही हुए। आई होप आपको मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू जैद का, अल्लाह ने आपको कितना प्यारा बनाया है? बनाया अल्लाह ने आपको बहुत ही ज्यादा, चारों बहुत ही ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, आप कितने खूबसूरत है। ओके थैंक यू, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच प्यारा बोलने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुब्बू फकी का, डू यू रिमेम्बर मी योर टीचर इन जूनियर कॉलेज? यस आई रिमेम्बर यू मैम, सुब्बू मैम जो हमारे कॉलेज में हमारी टीचर थी, जो बायो पढ़ाते थे मुझे आप याद है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी मेरी वीडियोस देखते हो, थैंक यू सो मच। बायो ईएक्स आपने ही पढ़ाया। क्वेश्चन है क्यूट प्रिंसेस फौजी का, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, अच्छा लग रहा है देख के, कीप रॉकिंग अद्दू। वालेकुम अस्सलाम क्यूट प्रिंसेस, थैंक यू सो मच, अब आपने इतने अच्छे से नाम लिया क्यूट प्रिंसेस फौजी ने, तो अद्दू बोला तो मैंने क्या क्यू क्यू क्या बोलूँगा इस प्यार में। इंस्टाग्राम पे आईडी इतना हार्ड होगा मैं आपको कुछ प्यार सा नाम देता, क्यूट प्रिंस सू, आई थिंक इट्स बेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीज 125 का, अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम है आप मेरा आंसर नहीं पढ़ोगे पर आप नवी बस्ती का पाओगे। अजीज भाई तुमको कैसे मालूम, वालेकुम अस्सलाम, पहले तो कैसे नहीं मालूम कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं हूँ, मैं सबका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जितना हो सके सबका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया और नई बस्ती में बहुत जल्द आऊँगा, पहले एक बार आ चुका हूँ फिर से आ जाऊँगा, आप बुलाया तो मैं आ जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर इमनू का, ब्रो आपने अपने हेयर्स में कौन सा जेल यूज़ करते हो? मैं मेरे हेयर्स में कोई जेल वेल यूज़ नहीं करता, हाँ मैं केराटिन करवाता हूँ मेरे बालों में, मैं केराटिन यूज़ कर मतलब करवा दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट होता है केराटिन वो करवा दे रहा हूँ, बाकी मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोमिन अनिका का, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू वन टाइम, जब भी मैं भिवंडी आऊँगी आई डेफिनेटली मेट यू। ओके थैंक यू सो मच मोमिन अनिका, आप जरूर आए भिवंडी में मुझसे मिले। सो गाइस ये थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो मेरी टीम ने थोड़ा सा इसको शेड्यूल करके मतलब थोड़ा सा निकाल निकाल के दिया था, तो मैंने उनका आंसर दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, मैं खुद हैरान हो गया था कैसे सबका आंसर करूँगा, तो मे भी अगर नेक्स्ट टाइम फिर से वापस से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके अंदर जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। तो आई होप अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे आपको जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर मिल गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट डे, टिल नेक्स्ट डे, हैप्पी, बाय, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।